बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर नए साल के दौरान वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा लगभग 12 से 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 बजे भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हुई, 14 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मरने वाले 4 लोग यूपी से बताए जा रहे हैं। मरने वालों में गोरखपुर के डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, सहारनपुर से धर्मवीर सिंह और विनीत कुमार है, जबकि गाजियाबाद से श्वेता सिंह शामिल है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था, उनमें धक्का मुक्की हो गई, इससे भगदड़ मची। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, इस वजह से भगदड़ मची। माता वैष्णो देवी भवन में हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। JKLG श्री से मनोज सिन्हा जी, मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नित्यानंद राय जी से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी है ट्वीट के जरिए। ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। CM ने लिखा है, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। माँ आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। ओम शांति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ विशाल रघुवंशी एक बार फिर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, चूंकि 4 लोग उत्तर प्रदेश से बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है उनसे जुड़ी, क्या उनके पारिवारिक जनों तक खबर पहुंचा दी गई है? देखिए, बहुत दुखद हादसा था और इस दुखद हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी कई लोगों की जान गई हैं। हालांकि उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी जो है बता दी गई है। आपको अपडेट दे देता हूं कि श्वेता सिंह है, 35 साल की युवती थी, गाजियाबाद की रहने वाली है, इनकी मौत हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाकायदा इस पूरी घटना में धर्मवीर सिंह हैं, 35 साल के रहने वाले हैं, सहारनपुर के हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इसके साथ ही विनीत कुमार की मृत्यु हुई, 38 साल के हैं, सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही अरुण प्रताप सिंह हैं, 30 साल के हैं और इनकी मृत्यु हुई है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को फिलहाल इस घटना की जानकारी दे दी गई है। एक दुखद हादसा है, भगदड़ की वजह से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिनमें उत्तर प्रदेश के भी कई लोग जो हैं वो शामिल हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है उस पर अपनी जो संवेदनाएँ हैं वो व्यक्त की हैं। और इसके साथ ही ये जो 4 लोग थे जिनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश की ये रहने वाले, उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जी विशाल, PM मोदी की तरफ से 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है, आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐलान कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जरूर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। और चूंकि अगर हम बात करें तो एक बड़ी दुर्घटना है और साल के पहले दिन बकायदा में भगदड़ की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि वहाँ पर तुरंत ही जाँच के आदेश जरूर दे दिए गए, केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अब चूंकि जब लिस्ट सामने आ रही है तो ऐसे में हो सकता है, समझता कि दोपहर तक या शाम तक जो मुआवजे का ऐलान है उसका निर्देश भी जारी कर दिया जाए यूपी की तरफ से। जी, चलिए विशाल, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।